Ben de davayla kimdir lan? Bir davama kavuşun. Ne mekanı? Ne mekanı? Her yer. Ben de ट्रस्ट की रिवायत रही है कि ऐसे इज्तिमात में, ऐसे मुकद्दस मकामात में, खासकर और सिपाक के मौके पर मेडिकल कैंप्स का इनाकाद करते हैं, जहां एक अच्छी क्रेडिबल मेडिकल एडवाइस भी दस्तयाब है, डायग्नोस्टिक्स भी दस्तयाब है एक हद तक, और दवाइयां भी मुहैया हैं। ऐसे मौक़ों पर ऐसे नेक काम नेकी के अलावा एक गरीब तबके के लिए डिप्लॉय करना चाहिए, और तंजीमें जो हैं जो इस मेडिकल कैंप्स या मेडिकल असिस्टेंस में कहीं कहीं दस्तयाब हैं और कहीं कहीं मौका फराहम करते हैं। यहाँ सेहत के मामले में सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर बहुत सारे इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मेडिकल कैंप का फ़ायदा ये रहता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आप डॉक्टर से भी मिलते हैं, डायग्नोस्टिक्स भी हो जाता है, उसके अलावा दवाइयां भी मुहैया होती हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ है जिसको जारी रखने के लिए ज़रूरत है, और मैं एक बार फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को, जी आर मेमोरियल गुलाम रसूल बेग मेमोरियल ट्रस्ट को, और ख़ासकर शफीक इश्तियाक बेग साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत तनदेही से और सस्टेन और रेगुलर बेसिस पर ये कैंप्स वादी के और रियासत के, यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाके गरीबी को सबसे अहम और सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट जो उनका है, जिसका ताल्लुक उनके सेहत से है, जिसका ताल्लुक मेडिकल असिस्टेंस और मेडिकल एडवाइस से है, दस्तयाब रखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँगे, और ये लोग भी वो अजर हासिल करेंगे जिस अजर हासिल, जो अजर हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमारा बड़े दहाइयों से ये काम चलता रहता है, कभी कोई खुश भी हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर रिकॉग्नाइज कोई काम हो जाए, बाकी इसमें कोई ख़ास कहने की बात नहीं है कि हमने बहुत बड़ा कोई काम किया है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ हमने भी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमने भी वही टच किया है। इतना ज़रखेज़ इलाका है और इतना ये काम करने की ज़रूरत है हर लिहाज से, हर पहलू में सकाफत के उम्रें दरकार होंगी, तो हम भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। मत करो मत।
Yeah.